नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की अहम खबरों का। खबर है लखीमपुर खीरी से, जहां सरजू सहकारी चीनी मिल बिलराया में फैले भ्रष्टाचार से हुए घोटाले की जांच के लिए किसानों ने SCDI मनोज पांडे के माध्यम से उत्तर प्रदेश गन्ना सचिव को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं कार्यालय गन्ना विकास परिषद बिलराया खीरी के माध्यम से डॉक्टर संजय वर्मा, महेश वर्मा, जसवंत वर्मा, गुरमीत सिंह समेत कई किसान उपस्थित रहे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी से अजय वर्मा की रिपोर्ट। बिलराया में एक ज्ञापन आप लोगों के द्वारा जो है CDI महोदय को दिया गया है, इसमें क्या आरोप चीनी मिल पर लगाए गए हैं और क्या समस्या है आप लोगों की? इसमें हम लोगों की समस्या ये है कि मेंटेनेंस ठेकेदारों व सप्लायरों के द्वारा कराए गए व सामान की सप्लाई की जांच व उनके बिलों की निष्पक्ष जांच हो। अच्छा। आउटसोर्सिंग ठेकेदारों को मिल की तरफ से प्रति कर्मचारी को दिए जाने वाले पैसे तथा ठेकेदार द्वारा कर्मचारी को दिए जाने वाले पैसे का मानक तय हो। सप्लायर के सामान आपूर्ति तथा ठेकेदार के कार्यों की जांच किसान बोर्ड के कराकर बिल का भुगतान किया जाए। अब तक हुए भुगतान की जांच हो। चीनी मिल के अधिकारियों की संपत्ति की जांच किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से कराई जाए। चीनी सीरे तथा प्रसमेट और बैगास का सोशल ऑडिट हो। साथ ही मिल में सप्लाई होने वाले केमिकल, सल्फर, चूना, इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रॉनिक्स आदि सन सामान की जांच हो। जिम्मेदार पदों पर बाहर के आउट सोर्सिंग पर लगाए गए लोगों की जगह कई वर्षों से काम कर रहे कैजुअल व डेली वेज कर्मचारियों को लगाया जाए। बकाया गन्ने का मूल्य पूरा भुगतान हो।